और अब मिशन डुप्लीकेट, पुतिन की सुपर सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जिसकी चाल में उलझ गई है पूरी दुनिया। कैसे, जरा ये देखिए, एक दो तीन इस तरह से, ये देखिए एक दो तीन चार पांच। इस वक्त रूस और यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देशों में इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, ये क्या है। पश्चिमी मीडिया में पुतिन को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि पुतिन को लेकर कई चौंकाने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। लेटेस्ट दावा यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने किया है। इस दावे के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जगह अब उनके बॉडी डबल यानी ड्यूप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है इसका मकसद, क्या है इस दावे का आधार, पूरी रिपोर्ट देखिए। महीने से यूक्रेन के बैटल ग्राउंड पर एक भयानक युद्ध लड़ा जा रहा है। इस लड़ाई में एक से बढ़कर एक खतरनाक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लड़ाई ने यूक्रेन के दर्जनों जगमगाते शहरों को खंडहर बना दिया। यूक्रेन में शहर दर शहर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसरा है। गोला बारूद की इस लड़ाई के साथ साथ एक लड़ाई और चल रही है। ये लड़ाई है माइंड गेम की, इंफॉर्मेशन की। इस इंफॉर्मेशन वॉर के बीच पश्चिमी मीडिया ने एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की है जो हैरान करने वाली है। यूक्रेन वॉर का बड़ा असर, पुतिन की लाइफ इन डेंजर। पुतिन को हत्या का डर, बॉडी डबल की आई खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल कारलो बुडानोव ने बहुत सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल को दिए इंटरव्यू में मेजर जनरल कारलो बुडानोव ने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने अपने तीन बॉडी डबल तैयार कराए हैं। दावा है कि बॉडी डबल हूबहू पुतिन जैसे दिखे। इसके लिए बॉडी डबल की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। बॉडी डबल को पुतिन की तरह चलने की ट्रेनिंग दी गई है। पुतिन की तरह उठने बैठने और हाव भाव की ट्रेनिंग भी दी गई है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस का दावा है कि हाल के दिनों में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पुतिन की जगह उनके बॉडी डबल को भेजा जा रहा है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस के मुताबिक पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल कई साल से कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले तक पुतिन के बॉडी डबल खास मौकों पर ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद से अब ज्यादातर मौकों पर पुतिन की जगह बॉडी डबल ही भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन कंफ्यूज, पुतिन के कितने रूप। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड के दावों का सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। मेजर जनरल बुडानोव का दावा है कि पुतिन कई अहम विदेशी दौरों में भी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजर जनरल कारलो बुडानोव का तो यहाँ तक दावा है कि जुलाई में ईरान के दौरे पर पुतिन की जगह उनके बॉडी डबल भेजे गए थे।
मेजर जनरल बोडानोव ने कहा कि जुलाई में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से मुलाकात के दौरान पुतिन के हाव भाव और रवैया काफी अलग दिख रहा था। मेजर जनरल बोडानोव को लगता है कि तुर्की विजिट के दौरान ही पुतिन के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी रिपोर्ट्स पहली बार नहीं आई है। पुतिन के बॉडी डबल को लेकर इस तरह के किस्से, कहानियां और रिपोर्ट्स 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तेजी से आई है। मई में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी जिनमें दावा किया गया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी हत्या के डर से बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब कहा गया था कि पुतिन ने क्रेमलिन की बैठकों में और मॉस्को में घूमने के लिए बॉडी डबल तैयार कराए। ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के बॉडी डबल प्रेसिडेंट हाउस में ही रहते हैं। मई के महीने में पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मॉस्को में कुछ जगहों पर नजर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ओरिजिनल नहीं थे, उनकी जगह बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। पुतिन के कितने रूप, असली कौन, नकली कौन? पुतिन के पास कितने बॉडी डबल हैं, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन यूक्रेन सीक्रेट सर्विस दावा कर रही है कि हाल के दिनों में पुतिन के 3 बॉडी डबल यानी हमशक्ल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड मेजर जनरल कार्लो बोडानोव के मुताबिक चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी और लंबी ट्रेनिंग के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे पुतिन और उनके बॉडी डबल का फर्क समझा जा सकता है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस ने पुतिन और उनके बॉडी डबल के वीडियो और तस्वीरों के विश्लेषण के बाद पुतिन और उनके बॉडी डबल में दिखने वाले अंतर के बारे में बताया है। मेजर जनरल कार्लो बोडानोव के मुताबिक पुतिन और उनके बॉडी डबल की हाइट में फर्क साफ दिखता है। पुतिन और उनके बॉडी डबल की बॉडी लैंग्वेज में भी अंतर दिखता है। इसी के साथ जो सबसे बड़ा फर्क नजर आता है वो है ईयर लोब, यानी कान का सबसे निचला हिस्सा। बॉडी डबल को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस की चीफ के दावे के पीछे सबसे बड़ा आधार ईयर लोब यानी कान का सबसे निचला हिस्सा है। दरअसल फिंगरप्रिंट की तरह ईयर लोब भी शरीर का ऐसा हिस्सा है जो दो लोगों में एक जैसा नहीं होता। दुनिया में दो लोगों के फिंगरप्रिंट और ईयर लोब एक जैसे नहीं हो सकते। मई में ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हत्या के डर से बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सनसनीखेज रिपोर्ट में डेली स्टार ने खुफिया सूत्र के हवाले से बताया था कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं। पुतिन की टीम उनकी सिक्योरिटी को बहुत गंभीरता से लेती है। पुतिन की सिक्योरिटी टीम ये सुनिश्चित कराती है कि हर बार उनके भोजन की जाँच की जाए, कोई भी सिक्योरिटी टीम की इजाजत के बिना पुतिन के करीब ना आने पाए। पुतिन की इतनी सख्त सुरक्षा इसलिए भी की गई है क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से अब तक पुतिन के करीबियों पर कई जानलेवा हमले किए जा चुके हैं।